हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एन टाइप सेमीकंडक्टर को पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर को पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेक्चर को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर When a small amount of trivalent impurity is added to a pure semiconductor, it is known as p-type semiconductor. हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें trivalent impurity डोप कर देंगे। डोपिंग क्या है? पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि डोपिंग क्या होता है। हम क्या करेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में trivalent impurity डोप कर देंगे तो हमारा अब जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है, हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या कर रहे थे कि प्योर सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप कर रहे थे और यहाँ पर क्या करेंगे, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डोप करेंगे। ठीक, आगे कुछ पॉइंट्स इसके अंडर में हैं, उनको देख लेते हैं। The addition of trivalent impurity provides a large number of holes in the semiconductor crystal. जब हम प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में trivalent impurity डोप करेंगे तो क्या होगा कि अब हमारे सेमीकंडक्टर में होल्स बहुत अधिक मात्रा में क्रिएट हो जाएंगे। trivalent impurity डोप करने से क्या होगा, होल का क्रिएशन बहुत अधिक हो जाएगा। रिलेट करें एन टाइप सेमीकंडक्टर में तो उसमें जब हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप करते थे तो क्या होता था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक मात्रा में हो जाते थे। अब यहाँ पर मेजोरिटी किसकी हो जाएगी, होल्स। आगे टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज आर गैलियम, गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 31 है, एंड इंडियम एटॉमिक नंबर कितना है, 49 है। ठीक है, ये गैलियम और इंडियम ये दो एलिमेंट यूज किए जाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के फॉर्मेशन में। ठीक है, और ये दोनों ही क्या है, ट्राईवेलेंट हैं। ठीक, ये दोनों एलिमेंट क्या है, ट्राईवेलेंट हैं। मींस इसके जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी है। और इसी तरह से हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जब डोप करते थे तो क्या होता था, उसके बैलेंस सेल में कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते थे। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 5 इलेक्ट्रॉन होते थे, तो उसको पेंटावेलेंट कहते थे। और इसके बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको क्या कहते हैं, ट्राईवेलेंट कहते हैं। आगे सच इम्प्योरिटीज विच प्रोड्यूस पी टाइप सेमीकंडक्टर आर नोन एज एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। ठीक है, जिस इम्प्योरिटी को ऐड करने से पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है उस इम्प्योरिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। अब एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्यों कहते हैं, चलिए यहाँ से फिगर से हम लोग देखते हैं। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, ये हमारा जर्मेनियम का क्रिस्टल है। जर्मेनियम के क्रिस्टल में हम क्या कर रहे हैं, गैलियम, जो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी है गैलियम, उसको डोप कर रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं डोपिंग में क्या होगा। जर्मेनियम क्या होता है, ये टेट्रावेलेंट होता है, मीन्स इसके आउटर मोस्ट सेल में या बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और गैलियम क्या है, टेट्रावेलेंट है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, और जो जर्मेनियम होगा इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब होगा क्या, गैलियम का जो आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है वो जर्मेनियम के आउटर मोस्ट सेल के 3 इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, लेकिन इधर जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जर्मेनियम का 1 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की मिसिंग है। ठीक है, चूंकि जर्मेनियम गैलियम हमारा टेट्रावेलेंट है, ट्राईवेलेंट है, तो ट्राईवेलेंट होने के कारण यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन की कमी को ही क्या कहते हैं, मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, होल कहते हैं।
ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक होल बन गया। तो इस तरह से गैलियम के एक एटम के कारण एक होल्स का क्रिएशन होगा। तो ऐसे ही गैलियम के जितने भी एटम रहेंगे सब क्या करेंगे, एक एक होल प्रोवाइड कर देंगे, एक एक होल प्रोवाइड कर देंगे। तो होल क्या होता है, मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, कहीं से ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये होल है किसका, गैलियम का है, होल किसका है गैलियम का है, गैलियम एटम का ये होल है। तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। अच्छा अब इसका मोमेंट कैसे होगा, ये जो होल है, होल क्या होता है मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज पर माना जाता है, इसका मोमेंट कैसे होता है, इसका मोमेंट देखिए ये क्या है मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा अपने आसपास से किसी जर्मेनियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ पर खींचेगा, ठीक है। तो कहीं से कोई जर्मेनियम का, जैसे मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चलाएगा, तो अब मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यानी कि होल का क्रिएशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसके आगे जो जर्मेनियम के एटम होंगे वहाँ भी ये, वहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और फिर मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा यानी कि होल यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से होल जो है वो मूव करेगा एसपी टाइप सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में, आई बात समझ में। अच्छा कंडक्शन बैंड की, बैंड एनर्जी की हम बात कर लें तो बैंड एनर्जी में क्या होगा, अब देखिए यहाँ बैलेंस बैंड में हमने क्या किया है होल्स की मेजोरिटी दिखाई है और यहाँ कंडक्शन बैंड में क्या किया है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की माइनॉरिटी दिखाई है, माइनॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेजोरिटी में क्या है होल्स है, ठीक है, होल्स की मात्रा अधिक है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम है। ये कैसे होता है, क्योंकि जर्मेनियम का जो प्योर सेमीकंडक्टर होगा यानी कि जर्मेनियम का जो क्रिस्टल होगा, अब जर्मेनियम है क्या, ये टेट्रावैलेंट है, जर्मेनियम टेट्रावैलेंट है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और सभी जर्मेनियम के एटम एक दूसरे से कोवैलेंट बांड से बंधे होते हैं, तो वहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ही फ्री होते हैं थर्मल हेजिटेशन के कारण, थर्मल हेजिटेशन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और वही कंडक्ट करने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाए गए हैं ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो इम्प्योरिटी हम लोग डोप कर रहे हैं उस इम्प्योरिटी के कारण ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब हम इम्प्योरिटी डोप करते हैं तो उसके कारण होल्स की मेजोरिटी आ जाती है, ठीक है। तो मेजोरिटी में हमारे होल्स होते हैं और माइनॉरिटी में क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब यही मिलकर क्या करते हैं कंडक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कंडक्टिविटी किस तरह से होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। अब यहाँ देखिए क्रिस्टल में, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो मेजोरिटी में जैसे आपके मिलियंस ऑफ होल्स हो जाते हैं तो उसमें दो चार कहीं पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोमेंट को हम यहाँ पर नहीं दिखाते हैं, क्रिस्टल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोमेंट को हम नहीं दिखाते हैं। यहाँ पर जो मेजोरिटी में है, मेजोरिटी वाले कैरियर्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेजोरिटी में क्या है होल्स हैं, अब ये होल्स क्या करेंगे करंट का कंडक्शन करेंगे कहाँ, इनसाइड द क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर जो है होल्स क्या करेंगे यही करंट का कंडक्शन करेंगे। अब जब हम इसमें गैलियम को डोप कर देंगे प्योर सेमीकंडक्टर में, गैलियम को डोप कर देंगे उसमें बहुत सारे होल्स हो जाएंगे। अब उस क्रिस्टल को जब हम पावर सप्लाई से जोड़ेंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये होल्स क्या होंगे। अब देखिए यहाँ पर जब हमने इसको पावर सप्लाई से जोड़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि अप्लाई कर रहे हैं इसके दोनों टर्मिनल के बीच में, तो ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल बनेगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। तो होल्स क्या होते हैं, होल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इनको रिपल करेगा, नेगेटिव टर्मिनल अटैक करेगा, जिसके कारण ये होल्स जो है इस साइड से यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे और सभी होल्स यहाँ से चलकर यहाँ पर जाते रहेंगे, ठीक है।
तो ये सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट का कंडक्शन होगा वो किसके कारण होगा, होल्स के कारण होगा, ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल वायर लगा हुआ है, क्योंकि ये क्या है, ये जो एक्सटर्नल वायर होता है ये क्या होता है, ये मेटल होता है, ठीक है। और मेटल में कंडक्शन किसके कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो ये मेटल है, इसमें कंडक्शन किसके कारण होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। इसको हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी एक्सटर्नल जो वायर लगे होते हैं, एक्सटर्नल वायर में करंट का कंडक्शन किसके कारण होता है, वो केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो यहाँ पर करंट का कंडक्शन किसके कारण होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा, ठीक है। तो मेजोरिटी में चार्ज का कंडक्शन कौन करेगा, करंट का कंडक्शन कौन करेगा, होल्स करेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं कंडक्शन बैंड में, ये क्या करेंगे, तो ये भी करंट का कंडक्शन करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी क्या करेंगे, करंट का ये भी कंडक्शन करेंगे। अब ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे, लेकिन इसके कारण जो करंट फ्लो होगी वो बहुत ही माइनर करंट होगी, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में इसके कारण करंट फ्लो होगी। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं माइनॉरिटी और मेजोरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी और मेजोरिटी चार्ज कैरियर। तो मेजोरिटी में यहाँ पर करंट का कंडक्शन किसके कारण हो रहा है, होल्स के कारण हो रहा है। तो ये क्या है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, ये क्या है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर है। और यहीं पर थोड़ी सी एक टिनी करंट फ्लो होती है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, तो इनके कारण चूंकि माइनर करंट फ्लो हो रही है तो इसको हम कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, ये होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हम बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपने पढ़ा है कि उसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और माइनॉरिटी में, जैसे यहाँ पर माइनॉरिटी में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वहां पर यंग टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, माइनॉरिटी में होल्स होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, इसको याद रखिएगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी किसकी होती है, होल्स की, और माइनॉरिटी किसकी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। और यंग टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है और माइनॉरिटी किसकी होती है, होल्स की होती है, ठीक है। तो ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी का चार्ज कैरियर समझ गए होंगे आप लोग कि क्या होता है, ठीक। तो बस पी टाइप सेमीकंडक्टर में जितना था उतना हमने आपको बता दिया किस तरह से क्या होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर देखिए, क्योंकि मेजोरिटी किसकी है, होल्स की है, होल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। इसी तरह से यन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी किसकी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो क्या जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी उसमें डोप करके उसका फॉर्मेशन हम करते हैं, तो यन टाइप सेमीकंडक्टर पर कौन सा चार्ज आ जाता है। इसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप करते हैं तो इस पर कौन सा चार्ज आता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगले दिन मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।